कथा कहीं सुनी थी महापुरुष के मुख से। एक बार राधा रानी ने देखा नंदगांव में भीड़ बहुत कम हो गई है, पहले बहुत भीड़ होती थी। तो राधा रानी ने पूछा ललिता विशाखा से कि आजकल लोग क्यों नहीं आ रहे नंदगांव इतने। विशाखा ललिता ने बताया कि श्री जी आपके जो है ना ठाकुर जी, इन्होंने अपने दरवाजे पर एक नोटिस बोर्ड लगा दिया है कि मोहि कपट छल छिद्र ना भाबा। अब जो उस बोर्ड को पढ़ता वहीं से वापस लौट जाता है, क्योंकि सबके मन में छल कपट तो है, इसलिए भीड़ कम हो गई। बस इतना जैसे सुना तो श्री राधा रानी ठाकुर जी से रूठ गई, मान कर लिया। ठाकुर जी बोले अब हमसे काय को रूठ्यो। बोले आपने लिखा कैसे, ये जितने जीव हैं ये सब मेरे हैं, आपने ये लिख दिया, अब इन बिचारों का कल्याण कैसे होगा। अगर मुझे खुश करना है तो बोर्ड बदलो। क्या लिखे बोर्ड पर? तो बोर्ड पर क्या लिखा गया, सन्मुख होए जीव मोहि जब जन्म कोटि अघनाश हो। जैसे ही जीव मेरे सामने आता मैं उसके जन्म जन्म के सब पापों को खत्म कर देता हूँ उसी क्षण। ये बोर्ड लगा मतलब ये सूचना लगी और फिर से लोग आने लगे, क्योंकि सबको लगा अरे अब तो हमारा भी चांस है। तो इसका मतलब है राधा रानी कृष्ण भगवान के सामने भी हमारा पक्ष लेती है। जैसे बच्चा को गलती कर देता तो माँ पक्ष लेती है ना, अरे आपको क्या पता, अरे हो गया होगा गलती से, अरे काय को डांट रहे हो, काय को छोड़। तो श्री राधा रानी उस माँ की तरह हमारा पक्ष लेती है ठाकुर जी के सामने। क्यों क्यों, अरे क्यों देख रहे हो पिछला हिसाब किताब।